कि आखिर कहां अटक गई है बीजेपी। वैसे तो बीजेपी ने कांग्रेस से ज्यादा कैंडिडेट्स की घोषणा कर दी है, लेकिन जो पहली और दूसरी लिस्ट में ये देखने को मिला है कि जैसे ही बीजेपी ने राजस्थान में पहली लिस्ट निकाली तो खूब भयंकर विरोध हुआ। फिर उसके बाद जो ये दूसरी लिस्ट आई है उसमें डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है, और इस दूसरी लिस्ट में वसुंधरा राजे का, जो कि सीएम रह चुकी है राजस्थान की, उनका दबदबा ज्यादा देखने को मिला है। और तो और दो और चीजें देखने को मिल रही हैं कि जो पहली लिस्ट थी वो केंद्रीय नेताओं के हिसाब से बनाई गई थी, और जो दूसरी लिस्ट है उसमें प्रदेश के नेताओं की सुनी गई है, और तो और जितने भी सारे खेमे हैं उन सबको खुश कर दिया गया है। अब क्योंकि ये दूसरी लिस्ट अभी ताजे में आई है तो आप समझ लीजिए आखिर इसके पीछे की राजनीति क्या है। बीजेपी की 83 कैंडिडेट्स की लिस्ट में 64 सीटों पर उन्हीं के विधायक हैं। ऐसे में बीजेपी ने 56 विधायकों को दोबारा से मौका दिया है, जबकि 8 विधायकों के टिकट काट दिए हैं। पहली सूची में 7 सांसदों का टिकट काट देने के बाद जिस तरीके से विरोध हुआ था उसे देखते हुए बीजेपी ने सीख ली और इस बार किसी भी सांसद को टिकट नहीं दिया है। गहलोत की प्रशंसा करने वाली उम्रदराज विधायक सूर्यकांता व्यास का टिकट काट दिया है, और दूसरे नेता अशोक लाहौटी, जो कि संघ नेता के सीडी कांड में कथित तौर पर लिप्त रहे और वो सांगानेर के विधायक है, उनका भी टिकट काट दिया है। वसुंधरा, राजेंद्र राठौर, सतीश पुनिया, नरपत सिंह राजवी जैसे नेताओं के टिकट क्लियर करके ये मैसेज दिया गया है कि हम हमारे सीनियर नेताओं को नहीं भूले हैं। झालावाड़ और बारा जिले की सीटों पर तो राजे का पूरा दबदबा है। वसुंधरा राजे का खुलकर समर्थन करने वालों में कालीचरण सराफ, प्रताप सिंह सिंघवी, श्रीचंद कृपलानी जैसे नेताओं को मौका दिया गया है, यानी राजे के समर्थकों का पूरा ध्यान रखा गया है। भाजपा की जारी दोनों ही सूची में कोई भी मुस्लिम चेहरा नहीं है। पिछले चुनाव में 200 में से केवल 1 टिकट वसुंधरा राजे समर्थक यूनुस खान को दिया गया था। बीजेपी हनुमान बेनीवाल से नाराज थी और नागौर में बेनीवाल का कोई विकल्प तलाश रही थी। भाजपा को विकल्प के तौर पर मारवाड़ की राजनीति के दिग्गज माने जाने वाले मिर्धा परिवार की सदस्य ज्योति मिर्धा नजर आईं। मिर्धा को पार्टी में शामिल कर लिया गया और अब नागौर से टिकट भी दे दिया गया है। राजस्थान में भाजपा कट्टर हिंदुत्व की राजनीति से ही चुनाव लड़ रही है। दोनों सूचियां देखें तो अल्पसंख्यक बहुल माने जाने वाली सीटों पर दो महंतों को उतारा गया है। विद्याधर नगर से टिकट काटने के बाद अब नरपत सिंह राजवी को चित्तौड़गढ़ भेज दिया गया है, और विद्याधर नगर से टिकट दिया है दिया कुमारी को। पर इस मूव पर पार्टी कार्यकर्ताओं काफी नाराज हैं और विरोध कर रहे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा राजेंद्र सिंह राठौर के सीट बदलने की हो रही है। चुरू में 6 बार विधायक होने के बाद वे चुनाव लड़ने के लिए अब दोबारा तारानगर जा रहे हैं।